एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडियन डिफेंस नॉलेज में। सऊदी अरेबिया और यूएई में हुए है बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, जहां पर यूएई ने खुद को बचा लिया मगर सऊदी खुद को बचा नहीं पाया, जहां दो लोग इंजर हुए हैं और एक बांग्लादेशी और एक सूडान का नेशनल। अब आपको दिखाते हैं आर्टिकल जिसमें लिखा है हुतीस फायर बैलिस्टिक मिसाइल एट यूएई सऊदी अरेबिया। बैलिस्टिक मिसाइल से मारना आज के ज़माने में एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि इससे फुल आउट वॉर भी हो सकती है, जहां पर सऊदी यमन में घुस के यमन में मारपीट चालू कर दे या फिर यमन को इन्वेड कर दे। यमन के वेस्टर्न पार्ट में जो गल्फ के काफ़ी करीब है, वहां पर हुथी रेबल्स को ईरान का बहुत सपोर्ट है, तो पहले इन्होंने ड्रोन से हमला भी किया हुआ है, मगर अब तो इन्होंने सीधा बैलिस्टिक मिसाइल्स मारना चालू कर दिया है। तो ये जो एरिया है जहाँ पे ये हुथी रेबल्स रह रहे हैं, यहाँ पे ये दिन ब दिन और स्ट्रांग होते जा रहे हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा सा हुतीस के इतिहास के बारे बताते हैं। हुथी रेबल चाहते हैं यमन से अलग होना, और इन्होंने रिसेंटली यूएई ऑयल टैंकर को ड्रोन से उड़ा दिया था, जिसमें इंडियंस और पाकिस्तानियों दोनों की जान गई थी। दोनों देश की सरकारों ने इस घटना की निंदा की काफ़ी। यमन में हुथी रेबल्स खुद को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑयल टैंकर बॉम्बिंग के बाद मानो सऊदी ने 10 देशों के नेतृत्व के अंडर मिलकर एकदम अंधाधुंध बॉम्बिंग शुरू कर दी यमन पर। पिछले 2-3 दिनों में यमन में 60 से लेकर 80 लोग मारे गए हैं और 200 लोग घायल हुए हैं। हालांकि यहां पर सऊदी, यूएई, यमन ये तीनों इस्लामिक देश हैं, मगर फिर भी आप देख सकते हैं कि जो OIC है वो अभी भी अपनी चुप्पी साधे हुए हैं इन सब मामले में। सऊदी का साथ इन बॉम्बिंग्स में यूजुअली देता है USA, UK, फ्रांस, टर्की, बेल्जियम, कुवैत, बहरीन, UAE, इजिप्ट इत्यादि। हुती रेबल्स का साथ खड़े हैं सिर्फ ईरान, चाइना और रशिया, जो चाह रहे हैं कि यमन पर जो बॉम्बिंग हो रही है उसे बिल्कुल रोक दिया जाए और बातचीत करके यहाँ मैटर सॉर्ट आउट करें, और मोस्ट प्रोबेबली एक नया देश बनेगा हुतियों के द्वारा, और उसके बाद शायद यहाँ पे शांति और अमन फैले। सऊदी की बॉम्बिंग के रिस्पॉन्स में यमन ने जब बैलिस्टिक मिसाइल मारी तो सऊदी मिसाइल को इंटरसेप्ट करके रोक नहीं सका, मगर यूएई ने इन मिसाइल को रोक दिया। दोनों सऊदी और यूएई यूज़ करते हैं यूएस का थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, जिसकी रेंज है लगभग 200 किलोमीटर। इससे एक बात कंफर्म होती है कि यूएस का जो थर्ड सिस्टम है अब उतना रिलायबल है नहीं। यूएस के प्रेशर के चलते ही सऊदी अरेबिया ने S-400 नहीं खरीदा है अभी तक, और ना ही वो आगे खरीदेंगे। और इतने दिनों के बाद आखिरकार रशिया हार मानता है और रशिया ने खुद डिक्लेयर कर दिया कि सऊदी अरेबिया का कोई इंटरेस्ट रहा ही नहीं है, या फिर कोई इंटरेस्ट है ही नहीं S-400 में। मगर इन सारी घटनाओं के बीच यहाँ पर यूएस थिंक टैंक की रिपोर्ट देखिए आप, ये कह रहा है कि सऊदी का एयर डिफेंस प्रॉब्लम यूएस के लिए एक अवसर की तरह आया है, ताकि ये नए नए प्रोडक्ट बनाकर सऊदी को बेच सके और पैसा बना सके। यूएई हालांकि कोशिश कर रहा है और दबाव बना रहा है इसराइल पे कि वो एक पल को अपना आयरन डोम दे दे, जो फ्यूचर में लग तो रहा है पॉसिबल हो जाएगा, मगर अभी के लिए तो दिल्ली दूर है। आने वाले वक्त में आप जरूर देखेंगे कि यमन में जो हो रहा है उसमें जान माल का तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा, मगर ये अमेरिका जैसे देशों के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन के आएगा, ताकि वो बिलियंस ऑफ डॉलर का कारोबार कर सके। क्या पता अमेरिका के पीछे पीछे फिर इसराइल और रशिया भी इसमें घुसकर इन दोनों देशों को या फिर यमन को इक्का दुक्का डिफेंस इक्विपमेंट्स बेचे और बहुत ज़्यादा पैसा बनाए। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम भी अपनी ब्रह्मोस मिसाइल बेच सकते हैं, और हम सऊदी का ब्रह्मोस मिसाइल ऑलमोस्ट बेचने ही वाले हैं शायद कुछ और महीनों में। मगर यूएई और सऊदी दोनों में हम चाहते हैं कि शांति बने रहे, क्योंकि वहाँ पर लाखों भारतीय काम करते हैं जिनके परिवार उनकी याद में महीनों बैठे रहते हैं। तो बस सब सही सलामत रहे और सारे वहाँ के भारतीय सेफ रहे। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।